आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, टीचिंग पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर लगभग सभी ब्रांचों के लिए वैकेंसी है। यहाँ पर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस इंजीनियर एलिजिबल रहेंगे। फ्रेशर्स एलिजिबल हैं, आपकी डायरेक्ट भर्ती रहेगी। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। बाकी की जानकारी हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलर फॉर्म में आपको जॉब्स अपडेट मिलते रहें। इसके साथ ही आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम हैं इनके ऑफिशियल नोटिस पर। नोटिस आपका अन्ना यूनिवर्सिटी की तरफ से 1 अगस्त को जारी किया गया है। यहाँ पर आप लोग नोटिफिकेशन नंबर देख सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आपकी टीचिंग फेलो पोजीशंस पर वैकेंसी आई हुई है, जहाँ पर रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन को एलिजिबल किया गया है। वीडियो में आगे जाने से पहले बात कर लेते हैं आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आपने BBTech किया है सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, और इसके साथ ही आप लोगों ने MEMTech किया है इन्हीं ब्रांचों में, आप यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। सबसे पहली वैकेंसी यहां पर आपकी रहने वाली है मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। यहां पर आपकी टोटल 10 पोस्टों पर वैकेंसी रहेगी। सिविल इंजीनियर्स के लिए यहां पर टोटल 8 पोस्टों पर वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स के लिए यहाँ पर 10 पोस्टों पर वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर्स के लिए यहाँ पर 22 पोस्टों पर वैकेंसी है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स और IT इंजीनियर्स के लिए यहाँ पर टोटल 28 पोस्टों पर वैकेंसी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पर बताया है, अगर आपने फर्स्ट क्लास में BBTech किया है इंजीनियरिंग की इन ब्रांचों में, और उसके साथ ही आप लोगों ने फर्स्ट क्लास MEMTech किया है इन ब्रांचों में, आप यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। बात करें आपके अप्लाई प्रोसेस के बारे में, तो अप्लाई प्रोसेस यहां पर आपका ऑनलाइन रखा गया है। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को इस गूगल डॉक्यूमेंट का लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके अपना फॉर्म इजीली अप्लाई कर पाएंगे। बात करें आपकी इंपॉर्टेंट डेटों के बारे में, तो फॉर्म ऑनलाइन होने आपके शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट यहाँ पर आपकी 16 अगस्त रहेगी। शाम के 5 बजे तक आप लोग यहाँ पर अपना फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और जैसी भी जानकारी आप लोग यहां पर अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे, उसके हिसाब से ही यहां पर आप लोगों को शॉर्टलिस्ट करके रिटेन टेस्ट या फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के समय आप लोगों को अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। बात करें आपके पे लेवल के बारे में, तो सैलरी यहाँ पर आप लोगों को 25,000 रुपये प्रति मंथ मिल जाएगी, जो बेसिकली यहाँ पर आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रहेगी। इनिशियली अपॉइंटमेंट यहाँ पर आपकी 3 महीने के लिए है, बाकी से आपकी परफॉर्मेंस और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आगे एक्सटेंड किया जाएगा। तो जो लोग भी इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, आप इसके लिए इंटरेस्टेड होते हैं, एलिजिबल होते हैं, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।